हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक वीडियो को वायरल कैसे करें और टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे आपको मैं दो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे करें और टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे होता है। यदि आप ये समझ लेते हैं टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे होता है तो आपका वीडियो कभी भी किसी भी टाइम वायरल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे वीडियो यदि आप स्किप करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं आपका वीडियो कभी ना कभी 100% वायरल होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यदि आपका टिकटॉक अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है तो आपको सबसे पहले नॉर्मल अकाउंट को आपको प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करना है। प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कैसे करता है, इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। आई बटन में या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले वहाँ से जाकर वीडियो देखना है और सबसे पहले अपने टिकटॉक अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो यदि टिकटॉक अकाउंट आप प्रो अकाउंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस व्यूज आ सकते हैं। और इसके बाद जब आपका टिकटॉक अकाउंट प्रो अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे न्यू कंटेंट बनाना यानी फ्रेश कंटेंट अपलोड करना है। इस बात को ध्यान रखना है, हम किसी भी टिकटॉक यूजर का वीडियो डाउनलोड करने के बाद अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड नहीं करना है। ये गलती अधिकतर टिकटॉक यूजर करता है तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद वीडियो को आपको एडिट करना है। जब भी वीडियो आप एडिट करेंगे तो आपको ध्यान रखना, किसी भी सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिट करते हैं तो वहाँ पे उसका वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। यदि आपका वाटर मार्क होता है तो यहाँ पे आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि टिकटॉक नहीं चाहता है हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को फ्री में प्रमोट करें। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो हम काइनमास्टर से वीडियो एडिट करते हैं तो काइनमास्टर एप्लीकेशन का वाटरमार्क कैसे रिमूव करना है, इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले ये वीडियो भी आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एडिट हो चुका है। वीडियो एडिट करने के बाद आपको अपलोड कैसे करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना, सही तरीके से समझना, तभी आपका वीडियो वायरल हो सकता है या फिर आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम टिकटॉक अकाउंट को मैंने प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है और नीचे आना है। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एनालिटी में आना है और यहाँ से आप टाइम को पता लगा सकता है हमारा फैंस फॉलोवर है से हमारा वीडियो किस टाइम ज़्यादा वॉच करता है। तो यहाँ पे टाइम बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन से ही, और उसी टाइम में आपको वीडियो को अपलोड करना है। तो फिलहाल में अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, तो इस टाइम आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 10 से 11 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। इवनिंग में यहाँ पे आप 6 से 7 बजे 8 बजे तक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ट्रैफिक सोर्स ज़्यादा होता है और आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद वीडियो अपलोड कैसे करना है, तो सिंपल सबसे पहले टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको सही सा हैशटैग लगाना है। तो आपको 4 से 5 हैशटैग ट्रेंडिंग यूज करना है। कौन सी ट्रेंडिंग हैशटैग है ये आपको पता है या फिर नहीं है, तो आई बटन में वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, वहाँ चेक कर सकते हैं आपको सही तरीके से अपने वीडियो में हैशटैग कैसे लगाया जाता है। हैशटैग लगाने के बाद आपने वीडियो को अपलोड कर देना है। यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वीडियो अपलोड करने का। तो यहाँ पे हम इस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं तो हम यहाँ पे हमारा वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हमारा पे एक टॉपिक क्लियर हो चुका है, हम टिकटॉक वीडियो को वायरल कैसे करें। तो इस तरह से प्रोसेस अगर कंप्लीट करते हैं तो आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद हम समझते हैं टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है काम करता है, तो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सिंपल हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर टिकटॉक यूजर को मैंने देखा हूँ 100 से 150 तक व्यू जाता है, इसके बाद एकाएक रुक जाता है या फिर 400 से 500 तक जाता है, इसके आगे जो है लाइक्स एंड व्यूज नहीं बढ़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो यहाँ पर वीडियो जो है आपको अगर 400 से 500 तक व्यूज जाता है, इसके आगे व्यूज नहीं जाता है, तो सबसे पहले आपके वीडियो को क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि आपका वीडियो को क्वालिटी या फिर कंटेंट जो भी आप बना रहे वो ही नहीं बना रहे, इसलिए आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज नहीं आता है, यानी कि 400 से 500 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। या फिर जो भी आप टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं
तो अलग अलग कंटेंट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, जब भी वीडियो टिकटॉक पर बनाते हैं तो एक कंटेंट को लेकर चलना है। जैसे यदि स्लो मोशन फास्ट मोशन वीडियो बनाते हैं तो स्लो मोशन फास्ट मोशन ही बनाइए, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो मोटिवेशनल वीडियो ही बनाइए, लेकिन एक कैटेगरी चूज़ करना है। यदि अलग अलग कैटेगरी चूज़ करेंगे तो आपके वीडियो पर लाइक्स एंड व्यूज नहीं आएंगे। तो यदि आप एक कैटेगरी चूज़ करते हैं तो आपके वीडियो पर यहाँ पर वायरल होने के चांसेस बढ़ जाता है और टिकटॉक को भी समझ में आता है ये वीडियो जो है मोटिवेशनल है, तो मोटिवेशनल वीडियो जो देखना पसंद करता है उन लोगों के पास वीडियोस भेजने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से वीडियो जो होता है ना टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है, लेकिन अधिकतर को मैं यही देखा हूँ उनका 400 500 या 600 से 150 तक व्यूज जाता है, इसके बाद एकाएक रुक जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, कैटेगरी एक चूज़ करना है और वीडियो को अपलोड करना है। ऐसे नहीं कि दो दिन वीडियो अपलोड किए हैं दो दिन के बाद मैंने बंद कर दिया। इस तरह से करेंगे तो आपके वीडियो पर लाइक एंड व्यूज नहीं आएंगे और टिकटॉक अकाउंट जो होता है फ्रीज होने के भी चांसेस बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।